हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट एंड न्यू चैप्टर द टर्निंग पॉइंट इन यूनिट वन सेक्शन सी। द नेम ऑफ द लेसन इज टर्निंग पॉइंट। बिफोर वी स्टार्ट द लेसन, जो ऑथर हैं वो कुछ बता रहे हैं और हमारे ऑथर जाने माने लेखक हैं अब APJ अब्दुल कलाम, जिनके बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। उन्होंने ये लेसन लिखा है अपनी बचपन की कुछ यादों पर। तो कुछ बताया गया है ऊपर कि कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी लाइफ को एकदम से चेंज कर देती हैं, अचानक से चेंज कर देती हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं वो छोटी सी घटना। और इसी घटना को उन्होंने टर्निंग पॉइंट का नाम दिया है और कुछ टॉपिक्स दिए हैं कि इनके ऊपर डिस्कस करें स्टूडेंट्स कि किस तरह का चेंज होता है अगर ऐसा होता है तो। जैसे कोई स्टूडेंट कोई स्कॉलरशिप जीतता है तो उसकी लाइफ में किस तरह का चेंज आ जाता है अचानक से, या कोई प्लेयर फर्स्ट बॉल पर ही आउट हो जाता है तो क्या है। तो इस तरह से डिस्कस करके देखेंगे हम। और अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि उनको एक टीचर वो याद हैं जिनका नाम श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर था और जो उनको क्लास 8th में पढ़ाते थे। और वो APJ अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि वो पर्सन थे जिन्होंने उनकी उनके जीवन में जो विज़न है, विज़न मीन्स ए ड्रीम फॉर द फ्यूचर, विज़न का जो बीज है वो उन्होंने ही उनके जीवन में लगाया। कहने का मतलब बहुत उनके लिए कुछ अच्छा किया था उन्होंने ताकि वो कुछ सोच सकें, समझ सकें। और बता रहे हैं कि ही वॉज ए वेरी गुड टीचर, बहुत अच्छे टीचर थे और सारी क्लास उनको काफ़ी चाहती थी, अटेंड करती थी अटेंशन के साथ, ऐसा वो बता रहे हैं। नेक्स्ट है कि एक दिन अय्यर सर उनको कुछ बर्ड्स फ्लाइट की, जो बर्ड्स के जो उड़ान है उड़ना, उसके बारे में क्लास में कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे और उन्होंने एक डायग्राम, उड़ती हुई बर्ड का डायग्राम बोर्ड के ऊपर बनाया और उस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि ये कैसे लिफ्ट करते हैं, कैसे उठते हैं और फिर कैसे उड़ते हैं। और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो बर्ड्स हैं वो उड़ते समय अपनी डायरेक्शंस कैसे चेंज करते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई उनकी स्टीयरिंग लगा होता है कि उन्होंने इस तरह मोड़ दिया तो इस तरह मुड़ गए, तो किस तरह से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो ऐसा भी उन्होंने एक्सप्लेन किया, पूरा सब कुछ एकदम डायग्राम बना करके एक्सप्लेन किया बोर्ड पर। करीब 20-25 मिनट का जो उनका लेक्चर था, जो लिफ्ट है उनका उड़ना, ड्रैग है आगे की तरफ खींचना बर्ड्स का, और किस तरह से वो 10, 20, 30 की जो फॉर्मेशन है, मतलब एक साथ बर्ड्स हैं वो उड़ते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की डायग्राम बना करके 20-25 मिनट, मतलब पूरे एक पीरियड में उन्होंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया। और जब हमारा ये पीरियड या क्लास ख़त्म होने वाली थी तो टीचर ने सोचा कि शायद बच्चों से पूछा जाए अब कि जो मैंने समझाया वो उनके समझ में आया या नहीं आया। तो मैंने मतलब यहाँ पर जो ऑथर हैं, जो हमारे अब्दुल कलाम सर हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा कि सर मेरे समझ में नहीं आया। तो जब मैंने ऐसा कहा कि मेरे समझ में नहीं आया तो उन्होंने दूसरे स्टूडेंट्स से पूछा कि उनके आया या नहीं आया। तो जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि सर समझ में नहीं आया। तो जो हमारे टीचर थे वो इस बात से अपसेट नहीं हुए, एंग्री नहीं हुए कि बच्चों के समझ में नहीं आया, क्योंकि वो वास्तव में चाहते थे कि हमारे
समझ में आए, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए। वो हमें चाहते थे कि हम इस जो फ्लाइट है, बर्ड्स की फ्लाइट है, उसका जो प्रिंसिपल है, मींस जो उद्देश्य है, वो हमारे समझ में आए, मतलब कैसे स्टार्ट होता है सब चीज़ समझ में आए। इसलिए उन्होंने कहा कि वो हम सबको, मतलब पूरी क्लास को सी शोर पर ले चलेंगे सुबह। तो आज के पार्ट में इतना एक्सप्लेन करेंगे हम। ये कुछ लाइंस जो थी वो आगे वाले पेज पर हैं, तो इसको भी हम चेक कर लेंगे। और बाकी का पार्ट, जब स्टूडेंट्स सीशोर पे जाते हैं, वहाँ पर कैसे टीचर एक्सप्लेन करते हैं अब्दुल कलाम के का जो माइंड है वो कैसे चेंज होता है, और कैसे वो आगे क्या करते हैं, इस बारे में हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। आज आपको ये लेसन जितना डिस्कस किया है हमने, उतना रीड करना है आपको अच्छी तरह से, लाइन टू लाइन। और आगे वाले लेसन में हम, आगे वाले पार्ट में हम पूरा लेसन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।